हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सेल्स रिसर्च। आज हम लोग जेपीएससी के स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको बुक लिस्ट के बारे में बताया था और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में जो 2019 का बजट 19-20 का बजट है उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे जो कि आपके जेपीएससी क्वालिफाई पीटी क्वालिफाई करने में आपको हेल्पफुल होगा। देखिए, जो 23 फरवरी को जो जेपीएससी की पीटी निर्धारित की गई है, अगर उसी डेट में अगर पीटी होता है तो आपके पास मात्र दिसंबर और जनवरी बच रहा है पूरा, और फरवरी में मात्र 20 दिन बच रहे हैं। तो आपको टोटल मिला करके 80 दिन मिलते हैं, जिसमें कि 80 दिन में ही आपको तैयारी कर लेनी है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होगी, जिसमें कि आपका इन 80 दिनों में अच्छी तरह से आपका जो तैयारी भी पूरा हो जाए, रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम में अटेम्प्ट भी अच्छी तरह से कर पाए, अर्थात जो भी क्वेश्चन है उसको बिना डरे बिना किसी गलती के आप लोग अच्छी तरह से सही सही आंसर करके आए। तो उसी स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे जो कि आपके पीटी में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आगे जाके आपको मेंस के लिए आपको क्वालिफाई करने या फिर मेंस में एग्जाम में आपको बैठने के योग्य आपको घोषित करेगा। देखिए, जो जेपीएससी है उसमें आपको पहले से भी आपको ये एग्जामिनेशन के बारे में नोटिफिकेशन तो आती ही रही है, और मैंने इसके लिए आपको करीब एक दो महीने पहले ही आपको बता दिया था कि जेपीएससी जल्दी आपको एडवर्टीजमेंट अनाउंस कर देगा आपको, और ताकि एग्जाम में आप अपीयर हो पाए। तो जो एडवर्टीजमेंट है, अगर आपका क्योंकि अभी आचार संहिता झारखंड में लगी हुई है तो दिसंबर में 23 के बाद आचार संहिता खत्म हो रही है, तो अगर उस डेट से हम अगर चलते हैं तो आपके पास मात्र 2 महीने मिलेंगे। ठीक है, तो उसके पूर्व ही हम लोग ऐसी तैयारी करके चले कि हम लोग का जो एग्जाम है वो आपका कहीं कोई प्रॉब्लम ना रह जाए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। और कोशिश करिए कि आपके पास जो है वो 23 तारीख का आचार संहिता खत्म होने का वेट ना करें और एडवर्टीजमेंट आने का भी वेट ना करें, बेटर रहेगा अभी से तैयारी करके चले। तो उसी स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे कि आपका जो जेपीएससी पीटी है एकदम ये है कि 100% आप उसमें क्वालिफाई करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो 2016 का जो मैंने सिलेबस आपको समझाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वो सिलेबस आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपकी एक सही रणनीति आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम कैसे हुए थे, क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ कहाँ से आए थे, किस पोर्शन से कितने अधिक क्वेश्चन थे, किस पोर्शन से कम क्वेश्चन थे, वो उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि जेपीएससी में आपको अगर सेक्शन डिवाइड करते हैं तो आपको दो पार्ट में आपका ये सारा सेक्शन हो पड़ जाता है। एक हो गया कि इंडिया स्पेसिफिक, दूसरा हो गया झारखंड स्पेसिफिक। इंडिया स्पेसिफिक में वो सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि जनरल स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में पूछे जाते हैं या फिर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इत्यादि सारे सब्जेक्ट आपको जनरल जो जीएस आपका इसका एक प्रथम पार्ट में पूछे जाएगा। और एक पार्ट अगर दूसरा पार्ट की ओर चलते हैं तो उसमें आपको झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें उसका झारखंड का आपका जीएस जीके हो जाएगा प्लस आपका उसका करंट अफेयर्स हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पार्ट वन से चलते हैं, इसी से आपको अपने पार्ट वन भी मैं आपको कैरी कर दूंगी। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री मैंने इसलिए इसमें भी लिखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, किसी भी स्टेट पीसीएस को आप देखते हैं, अगर आपने कोई भी स्टेट पीसीएस दिया होगा या फिर उसके क्वेश्चंस को देखे होंगे तो आप इतना समझ जाइए कि हिस्ट्री का मेजर पोर्शन क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। जो हिस्ट्री आपको जनरली आपका 3 पार्ट में होता है, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक हो गया आपका एंशियंट हो गया, मेडिएवल हो गया और फिर आपका मॉडर्न हो जाता है। देन आपका अगर थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री से हटकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री से, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन इसमें आपका जेपीएससी में नहीं आता है। तो आपको तैयारी करनी है इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें कि आपको 3 पार्ट में तैयारी करनी होगी, एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न। तो तैयारी कैसे करनी है उसको बारे में मैं डिटेल से बताई, पर एक समराइज रूप में मैं आपको सब्जेक्ट समझा दे रही हूँ। हिस्ट्री हो गया, देन आपको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों से आएगा। साइंस एंड टेक में, जिसमें कि आपको साइंस के जनरल
लेवल जो कि आपका 8, 9, 10 का क्वेश्चन है उससे आता है। 8, 9, 10 के जो साइंस के बुक है एनसीईआरटी के उससे क्वेश्चन आते हैं। देन आपको जो साइंस एंड टेक में मीन्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो न्यू इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कुछ नई घटनाएं हुई हैं या फिर विज्ञान के क्षेत्र में भारत में कुछ नई प्रगति की है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक। देन पॉलिटी में आपको भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका इकोनॉमिक्स भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिससे वैश्विक लेवल पर कुछ आर्थिक परिदृश्य में कुछ उलट फेर हुआ या फिर कुछ नई चीजें हुई हैं, तो उससे भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये हो गया करंट अफेयर्स जो कि आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया। तो ये आपको दोनों करंट अफेयर्स आपको इसमें आपको इंडियन स्पेसिफिक वाले पार्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा दो और सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा सा उस पर भी फोकस करना होगा आपको, आर्ट एंड कल्चर एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं आजकल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या पॉल्यूशन हो या फिर कुछ भी आपको एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी कन्वेंशन होते हैं या फिर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई भी योजनाएं आती हैं, तो वो क्वेश्चन आपको एकदम आपको करंट अफेयर्स से आपको आ ही जाता है। देन आपको आर्ट एंड कल्चर में आपको हो जाएगा इंडिया का जो कला एवं संस्कृति है, भारतीय कला एवं संस्कृति संबंधी कुछ भी प्रश्न होते हैं वो आपको आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। और इस साइड में तो आपको झारखंड और करंट अफेयर्स हो गया। अब देखिए डिटेल्स में हम लोग थोड़ा चलते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। तीन पार्ट हो जाता है, एंसेंट, मिड, मॉडर्न। पढ़ना है कहाँ से आपको, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहे क्योंकि टाइम कम है। अगर आपने पहले से जो मेरे जो पहले वीडियो उसको देखे थे आप लोग, तो उस समय से आप तैयारी कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। एंसेंट, मिडेबल, मॉडर्न आप सिक्वेंस वाइज चल रहे हैं, बट अगर आप इधर से क्योंकि अब आपको टाइम कम है तो अब आपको तैयारी करनी है तो आपको उल्टा चलना होगा। मॉडर्न पहले तैयारी करेंगे, देन आप एंसेंट, देन आपको मिड, यानी कि पहला नंबर आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। इसके पीछे मैं एक स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि ज़्यादातर आपको मॉडल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेशली इसमें आपको जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम है उनसे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, तो उनको क्वेश्चन आपको अगर आपका स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है या विपिन चंद्रा के जो है जो बीच के दो तीन चैप्टर हैं जिसमें आपको 1757 से लेके आपको 1947 तक का आपको पढ़ना हो, ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो इस पोर्शन को आप ज़्यादा ध्यान देंगे। 1757 से लेकर 1947 के बीच के जो भी आपको पार्ट चैप्टर्स आएंगे उसको आप ज़्यादातर ध्यान दीजिए। उसमें आपको धार्मिक आर्थिक सुधार भी आ जाएगा, यूरोप कंपनियों का के भारत आगमन के बाद से लेकर के आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम मतलब जिस 1947 में जो भारत स्वतंत्रता मिली इसके बीच के जितने चैप्टर्स होंगे उसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपको जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको पढ़िए, देन आपको मीडिएबल पढ़िए। अब एक टाइम बंटवारा हम लोग कैसे करेंगे क्योंकि आपके पास मात्र 80 दिन है आज से, ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, आचार संहिता खत्म होने का वेट करते हैं और एडवर्टीजमेंट आने का वेट करते हैं तो आपके पास मुश्किल से 50 दिन बचेंगे, क्योंकि हो सकता है एडवर्टीजमेंट सेम डे ना आ करके 2-4 दिन लेट से आए, तो आपके पास जो 60 दिन है 60 दिन ना मान के चलिए उसको 50 दिन मान के चलेंगे, 85 दिन बचेंगे। तो हम आज से ही हम अगर काउंट करते हैं तो आपके पास 80 डेज है लगभग। इन 80 डेज में आप पूरे के पूरे 15 दिन इसको पहले दे दीजिएगा, ठीक है। ये आप 15 दिन में इसको पहले खत्म कीजिए। और कैसे खत्म करना है, मॉडर्न, एंसेंट, मिड पढ़ते हुए और छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हो सके तो नोट्स बनाइए, और नहीं पॉसिबल है तो कोशिश कीजिए कि कम से कम पढ़कर खत्म कर लीजिए। आपके पास टाइम कम है तो कम से कम पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि आपको अच्छी तरह से अगर आप एक नॉलेज आपका सेटअप रहेगा तो आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 80 दिन में यही हो सकता है। फिर आते हैं साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक इसलिए आपका सेकेंड नंबर पर मैंने दिया है कि साइंस एंड टेक में आपको जो 9, 8, 9, 10 है उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और बिल्कुल ही जनरल जो सामान्य मानसिकता संबंधित प्रश्न है, जो सामान्य जानकारी संबंधित प्रश्न है विज्ञान के, कुछ ज़्यादा आपको उसमें पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। जनरल जो आपको जानकारी से संबंधित पूछे जाएंगे विज्ञान में, जो आपकी सामान्य जानकारी होती है बस वही प्रश्नों का, उसमें आपका फिजिक्स में आपको जनरली जो लाइट है
डिस्टेंस है या फिर आपको जो भी फिर उस तरह जीव विज्ञान में भी जो सामान्य चैप्टर्स होंगे, रोग से संबंधित प्रश्न होते हैं और मानव अंग से संबंधित प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका रसायन में बहुत थोड़ा, रसायन में क्वेश्चन बहुत थोड़ा कम पूछा जाता है, स्पेसिफिक ज्यादातर प्रश्न आएंगे आपके जीव विज्ञान से और भौतिकी से आते हैं। तो इन सब प्रश्न जो आपको 8, 9, 10 का अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं एक बार भी तो आपका अच्छा समझ हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 2 दिन में, आप कम से कम 10 दिन देते हुए पढ़ते हुए और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए उसको कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पॉलिटी। पॉलिटी में आपको ज्यादा दिन का टाइम नहीं देना है, 5 दिन पॉलिटी, 5 दिन इकोनॉमिक्स। अब ये बहुत कम कम दिन दिया गया इसलिए कि पॉलिटी से आपको जनरल जो क्वेश्चन कन्वेंशनल होते हैं, मीन्स जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसमें 80 दिनों में एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी आप रविंद्र सिंह की बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पॉलिटी में आपको जो एनसीईआरटी का जो पॉलिटी का बुक है, राजव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था हो गई, या फिर इकोनॉमिक्स में जो भारत का अर्थशास्त्र है एक एनसीईआरटी की बुक है, उसको कम से कम आप 2 बार 5-5 दिनों में आपको पढ़ के कंप्लीट करना होगा। तो आपके पास यहाँ पे कितने दिन खत्म हो जा रहे हैं, यहाँ 25, 5, 30, 10, 35 दिन खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास बच रहे हैं 45 दिन, तो 45 दिन में आपको क्या करना है, 45 डेज में सबसे पहले इतना याद रखिएगा, 10 दिन आपका करंट अफेयर्स ये हो जाएगा नेशनल लेवल का और 5 दिन झारखंड लेवल का, तो आपका 45, 5, 50, 10, 60 दिन यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको बस मात्र 20 दिन ही बचेंगे जिसमें कि आपको 10 दिन झारखंड को देना है और 5 दिन में आपको आर्ट एंड कल्चर, 5 दिन आर्ट एंड कल्चर और 5 दिन हो गया एनवायरमेंट, इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना होगा। तो आपको 80 डेज में इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब रही बात की अब इस 80 डेज में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ आप पढ़ ही सकते हैं, और पढ़ना क्या है, तो आप जो मोटे मोटे बुक्स है उसको नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी अवेलेबल है तो उसको, मैंने तो 1-1.5 महीना पहले ही बोल दिया था कि आपको एनसीईआरटी बुक लेकर पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा। फिर भी अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी नहीं ले पाए या फिर अभी आप खरीद नहीं सकते तो कम से कम लूसेंट को जरूर कैरी कीजिए, लूसेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लूसेंट जो अभी करेंट एडिशन है, पुराने वाले लूसेंट को नहीं लेंगे, अभी जो आपके पास लूसेंट है भी तो भी आप एक नया लूसेंट ले आइए, 120-140 रुपए में आपको मिल जाएगा वो ये बुक। तो इस बुक को कम से कम हर ये जो आप देख रहे हैं इसी इन्हीं दिनों में आप चाहेंगे अगर अच्छे तरह से आप पढ़ लेते हैं, झारखंड का भी लूसेंट का बुक अलग से आता है, झारखंड इसमें कि झारखंड का जीके रहता है, तो बाकी चीज़ों का करंट को छोड़ देते हैं, करंट को बाद में बात करते हैं, बाकी चीज़ों को आप आराम से 2-2 बार 3-3 बार आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप 15 दिन है तो 15 दिन में चाहेंगे तो लूसेंट का जैसे मॉडर्न उसमें से पढ़ना है आपको, तो 5 दिन में कम से कम 2-3 बार आप लूसेंट आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पेज का नहीं रहता, 30-30 पेज, 30 से 35 पेजेस में हर चैप्टर को उसमें लूसेंट को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो 30 पेज में आप देखेंगे वो करीब 340 पेजेस की बुक है, तो अच्छी तरह से अगर आप चाहेंगे पढ़ेंगे तो 80 दिनों में आप वो 300 पेज को आप आराम से कम तो 3-4 बार आप आराम से अच्छी तरह से पढ़ करके निकाल सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी से नहीं पहले से पढ़ाया है या फिर नोट्स नहीं बनाया है या फिर आपके पास अब एनसीईआरटी लेने और नोट्स बनाने का समय नहीं रह गया, तब इन 80 दिनों में आप सिर्फ यही कर सकते हैं। तो करना क्या है, लूसेंट को बनाइए, ठीक है, लूसेंट को पढ़िए, और जो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है एक क्वेश्चन बैंक आप जरूर रख लीजिएगा। लूसेंट तो पढ़िए ही, लेकिन साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मीन्स इन दिनों में जैसे कि आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसको प्रैक्टिस कर ले, या फिर प्रीवियस ईयर का अगर कुछ क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आपको सारे जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपको घटना चक्र आता है तो घटना चक्र में आपको क्या हो जाएगा कि सारे जो यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस है उसके सारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो अगर आप इन 15 दिनों में इसको पढ़ रहे हैं, 15 दिनों में अगर हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं लूसेंट से, तो कम से कम घटना चक्र से भी एक बार से दोबारा आप उसको जरूर पढ़ लेंगे। उस तरह जो ग्रुप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं 10 दिन में, आप लूसेंट से ही पढ़ रहे हैं अगर, तो आराम से तो इसको आप दो बार तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन एक बार कम से कम घटना, 1-2 बार घटना चक्र को जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट में करना है। अब रही बात आपको
करंट अफेयर्स के आते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको देखिए, अभी 80 दिनों में आपको क्या कर सकते हैं, अभी जो स्पीडी है, स्पीडी का आपको 1 ईयर का वार्षिकांक आपको मिल जाएगा, या फिर घटना चक्र का भी वार्षिकांक आपको मिल जाएगा मार्केट में, उसको लेकर के कम से कम अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ जाइए। ये हो गया आपको, हम लोग जो नेशनल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स का बात करते हैं, तो वो बुक आप रख लीजिए एक, जिसको आप अच्छी तरह से इन 10 दिनों में करंट अफेयर्स को, जो 10 दिन मैंने दिया है, उसको अच्छे से 2 बार कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। और इसमें क्या क्या मुख्यतः ध्यान देना होगा आपको, कि जो भारत की जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वो 18-19 और 19-20 का जो बजट था, उसको जरूर अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो झारखंड का जो करंट अफेयर्स है, उसको मैंने पहले भी बताया था कि आपको जागरण जोश से आपको इसका सारा नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए, वहाँ पे डिटेल्स में भी नोट्स है, ठीक है, और 1 लाइनर भी नोट्स है, तो जागरण जोश से ले लीजिएगा। फिर एक मैंने पोर्टल बताया था आपको, झार एनवीस, झार JHARENVIS, झार एनवीस .net पर जाते हैं आपको, तो आप झारखंड के रिलेटेड आपको बहुत सारे जो मतलब कुछ नई नई जो योजनाएं आए हैं, कुछ नई चीजें हुई हैं, तो उन पर आपको उस पर पोर्टल पे आराम से झारखंड गवर्नमेंट के बारे में मिल जाएगा। उस तरह झारखंड.gov.in पर भी जाते हैं, तो आपको झारखंड के जो महत्वपूर्ण नई नई परियोजनाएं हुई, साथ साथ झारखंड का जो बजट है 19-20, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है 18-19, वो सारा कुछ उस पर अवेलेबल है। तो वहां जाकर के भी आप इन 5 दिनों में झारखंड की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, बाकी 10 दिनों में आप लूसेंट का जो झारखंड जीके है उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये 80 डेज में आपका ये सारा तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छी तरह से अपीयर हो सकेंगे। और अगर आप लोगों ने पहले मेरे वीडियो देखे, और अगर पहले से एनसीईआरटी की बुक लेकर आप पढ़ रहे हैं, या फिर सारे नोट्स कम्प्लीटेड हैं, तो आप रिविजन मोड में आप चलिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और चूंकि देखिए, झारखंड में JPSC हो या BPSC हो, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल्स एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते, तो आपको UPSC रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पर उसका पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, बल्कि JPSC के पुराने क्वेश्चन देख लीजिए, BPSC के पुराने क्वेश्चन देख लीजिए, अन्य स्टेट PCS के पुराने क्वेश्चन को देख लीजिए, फैक्ट बेसिस ही तैयारी कीजिए। और फैक्ट बेसिस तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट, और जो क्वेश्चन बैंक के घटना चक्र के, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं से आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे पूरा अच्छी तरह से 15 दिन जो है बहुत बढ़िया से ध्यान टाइम देना है, 10 दिन पूरा जो झारखंड नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और 5 दिन आपको झारखंड करंट अफेयर्स। तो इस तरह करके आपके 80 दिन में अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी, और आप एग्जाम में अच्छी तरह से अपेयर कर पाएंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि 23 फरवरी को एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि 2-3 बार आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया है, 2-3 बार आपको मान के चलिए कि आपको ये पहले से बता दिया गया, ताकि आपकी तैयारी प्रिपेयर रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अभी तक तो जनरली ऐसा होता ही है कि एग्जाम नज़दीक आ जाता है और लोग आंदोलन करने बैठ जाते हैं कि भाई अब टाइम बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, पहले से क्यों नहीं बताए। तो पहले से अभी 2-3 बार बताया जा चुका है, फिर भी अगर मान के चले कि अगर टाइम बढ़ता भी तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन ही बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप 23 फरवरी मानकर उसको फिक्स मानकर तैयारी कीजिए, और थोड़ा जमकर मेहनत कर लीजिए, क्योंकि छठी वाली का तो अभी तक श्योर नहीं है, क्योंकि वो अभी भी जो जो केस का जो नतीजा हुआ है वो अभी भी पूरी तरह से मान के चले कि वो पूरी तरह से फाइनल नहीं है। उसमें भी जो जो लोग पहले वाले लिस्ट में है उनका भी श्योर नहीं है, और जो लोग बाद की लिस्ट में है उनका तो श्योर नहीं है। तो बेटर रहेगा कि 7वीं JPSC की अच्छी तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो आने वाला भविष्य है वो उज्ज्वल हो। और इस प्रकार के और भी मेरे वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।